हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूँ वो IRCTC शेयर लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टू बाय नाउ। पिछले दिनों में हमने देखा था IRCTC में एक कंसोलिडेशन मोड था, लेकिन अब पिछले 3 महीने में 580 के लेवल से ये स्टॉक 730 के लेवल पे आ चुका है। और IRCTC के बारे में पिछले एक हफ्ते से काफी बढ़िया न्यूज आ रहे हैं, और आज ही के दिन पे और एक बढ़िया न्यूज आया है इंडियन रेलवे की तरफ से। वो न्यूज क्या है, उसके चलते IRCTC को क्या बेनिफिट होगा, वो इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही कह सकते हैं यहाँ पे आईआरसीटीसी के टेक्निकल और फंडामेंटल पार्ट को भी एनालाइज करेंगे, और मीडियम टू शॉर्ट टर्म क्या टारगेट होना चाहिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म क्या टारगेट होना चाहिए, ये सभी कुछ जैसे आपको वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो की शुरुआत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दिन में 2 बार कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग्स मिले, जिससे आपका पोर्टफोलियो और भी बेहतर हो सके। वीडियो की शुरुआत में मार्केट का एक ओवरव्यू भी ले लेते हैं। आज हमने देखा पॉजिटिव मार्केट को गैप अप के साथ तो नहीं कह सकते, एक फ्लैटिश मोड के साथ ओपन होते हुए। फिर हमने कंसोलिडेशन फेज देखा, 16,950 का एक डिप भी हमने देखा, लेकिन इमीडिएटली मार्केट में वहां से बाउंस बैक मिला। यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि मार्केट 17,000 के नीचे सस्टेन नहीं हो पा रही है, इमीडिएटली वहां से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। यानी नीचे की तरफ इस समय तो नहीं दिख रहा है कि हम जाएंगे आगे नियर टर्म में। उसके तीन से चार बड़े कारण है। सबसे बड़ा कारण है 6 ट्रेडिंग सेशन से नैसडैक और डाउ जोन्स दोनों ही नीचे की तरफ बंद हो रहे हैं, यानी काफी शॉर्ट्स वहां पे क्रिएट हुए हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली, रिलीफ रैली वहां पे बनता है। सेकेंड, हम भी यहाँ पे ओवरऑल देखें तो काफी हल्के हो चुके हैं, पुट कॉल रेशियो काफी हल्का था, हमारे शॉर्ट्स थे वो ट्रैप हो चुके हैं 17,000 के नीचे, ये भी लेवल एक बढ़िया था। साथ ही में दूसरा अगर हम देखें स्पेसिफिकली जो इस समय आपको समझना है, साथ ही में दूसरा जो चीज आपको समझना है यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर पुट कॉल रेशियो के साथ बात करें, वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो एग्जैक्टली लेवल्स के हिसाब से मार्केट चल रही है। निफ्टी का लेवल मैंने कल के वीडियो में कहा था 17,125 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो शॉर्ट कवरिंग का सिनारियो बनता है, और आज हम 17,125 के ऊपर हमने शॉर्ट कवरिंग देखा 17,150 तक, 17,130 के आसपास हम बंद हुए, यानी अच्छी क्लोजिंग डे हाई पे हमें मिली है। बैंक निफ्टी की बात करें तो मैंने कहा था 39,050 के लेवल्स मेजर रोल प्ले करेंगे शॉर्ट कवरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही हुआ। 39,050 का जैसे लेवल क्रॉस हुआ, एक शॉर्ट कवरिंग का माहौल बना, और अब जो है बैंक निफ्टी 39,600 के लेवल तक जाते हुए दिखेगी। कल वीकली ऑप्शंस की है एक्सपायरी है, तो हिसाब से कल का दिन एक्सपायरी डे के हम ओपनिंग में गैप अप के साथ ओपन होंगे, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स इस समय अच्छे खासे स्ट्रांगली 200 पॉइंट ऊपर है, और आज रात को अगर यूएस मार्केट में एक रिलीफ रैली बनता है तो अच्छे खासे मोमेंटम के साथ कल हम ओपन ऊपर की तरफ ओपन होंगे। और कल पहला रेजिस्टेंस होगा 17,225 का, और उसके बाद बनेगा 17,300 का। अगर कल 17,225 क्रॉस होता है दिन भर में कभी भी 2 बजे के पहले, तो एक अच्छी खासी रैली बनेगी 17,300 तक। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें तो 39,500 39,600 के लेवल्स कल हमें देखने आराम से मिल सकते हैं। तो पोजिशन को लॉन्ग रखिए, अपने कह सकते हैं जितना हो सके ट्रेडिंग को लॉन्ग रखिए, और स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। और बैंक निफ्टी निफ्टी की जहां तक बात करें तो अगर आपको हेज करना है तो हेज करके चलिए, लेकिन इस समय शॉर्ट में इतना सिनारियो नहीं बनता है जितना लॉन्ग में बनता है। वीडियो की शुरुआत में दो सर्विसेज का ओवरव्यू देना चाहूंगा जो हम प्रोवाइड करते हैं। पहली सर्विस है एवरी सैटरडे यूट्यूब लाइव में जुड़ जाइए 3 से 4 के बीच में, जहाँ पे एक्जैक्टली 45 मिनट सेशन में जितना हो सके आपके लिख सकते हैं क्वेश्चंस को यूट्यूब लाइव में, आपके कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस को टाइप कीजिए, उसी समय उसके आंसर दीजिए। दूसरा तरीका है एडवाइजरी प्रोडक्ट, बैंक निफ्टी निफ्टी के ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही में यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इंट्राडे बेस, डिलीवरी बेस, एफएनओ बेस आपको कॉल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट भी होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेवल और डेटा आपको बताए जाएंगे जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग को टैकल कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे IRCTC के बारे में, वो क्या न्यूज है जिसके चलते IRCTC पिछले कई हफ्तों से कैसे मोमेंटम में तो था ही, लेकिन अब आने वाले हफ्तों में काफी अच्छे से मोमेंटम में IRCTC शेयर आएगा। उसका मेजर कारण होगा ये न्यूज, और आने वाले क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, तो फेस्टिवल सीजन में हम जानते हैं क्योंकि स्पेसिफिकली जिससे आपसे पोस्ट पैंडेमिक टूरिज्म सेक्टर बढ़ा है, फ्लाइट बुकिंग काफी बढ़ी है, ट्रेन की टिकट्स काफी, ट्रेन की बुकिंग्स काफी अच्छे से बढ़े हैं। IRCTC का ओवरऑल बिजनेस देखे टूरिज्म सेक्टर का तो काफी अच्छे से ग्रो हुआ है,
इस समय आरसीटीसी का आने वाले 2 से 3 महीने काफी अच्छे होंगे। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, रेलवेज हैव रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 24% ईयर ऑन ईयर, रिजर्व पैसेंजर बुकिंग सेगमेंट टू 42.89 करोड़ एंड एन इंक्रीज ऑफ 197 करोड़ 197% ईयर ऑन ईयर इन अनरिजर्व पैसेंजर बुकिंग सेगमेंट ऑफ ₹268.56 करोड़ ड्यूरिंग अप्रैल 8 टू अक्टूबर 2022। शार्प राइज इन द पैसेंजर बुकिंग अलॉन्ग विद पोटेंशियल बेनिफिट इन द केटरिंग बिजनेस इज पॉजिटिव फॉर आईआरसीटीसी। यानी रिजर्वेशन की कैटेगरी देखें तो ईयर ऑन ईयर 24% हुआ है यहाँ पे ग्रोथ, और अनरिजर्व कैटेगरी देखें तो 197% के आसपास ग्रोथ दिख रहा है। आईआरसीटीसी का रिसेंटली जो क्वार्टर टू के रिजल्ट आएंगे उसके एस्टिमेट्स प्रभुदास यादव ने दिए हैं, वो है 56% के आसपास यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है और वैल्यूएशन है करीबन 248 करोड़ के आसपास। आईआरसीटीसी का नेट सेल्स अगर हम देखें तो 111% ईयर ऑन ईयर ज्यादा दिख रहा है, और वो अगर हम देखें तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दिख रहा है, और इसी वजह से आईआरसीटीसी का अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 248 करोड़ का है, जो पिछले टाइम से 55% ज्यादा है। सेल्स की बात करें तो 111% ज्यादा है, और वैल्यूएशन अगर सेल्स का देखें तो 856 करोड़ के आसपास वैल्यूएशन आ रहा है। इंटरेस्ट बिफोर ईबीटा की बात करें तो ईबीटा भी करीबन करीबन 52% का ग्रोथ दिख रहा है इस क्वार्टर टू के रिजल्ट में, जो अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे। पिछले 5 दिनों का चार्ट पैटर्न देखें तो 746 का इसका हाई था, लोएस्ट पॉइंट था 720 का। 1 महीने का चार्ट पैटर्न 662 का बॉटम, हाईएस्ट पॉइंट है 750 का। 3 महीने का बॉटम 584 का, हाईएस्ट पॉइंट है 750 के आसपास का। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखें तो 45 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है पूरे महीने में, और अगर स्पेसिफिकली एवरेज देखें तो 31 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिसमें से 11 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास है यहाँ पे 68%, पब्लिक होल्डिंग से 5.87, पब्लिक होल्डिंग से करीबन 22% के आसपास, FIS का होल्डिंग है 5.87 और DIS का होल्डिंग है करीबन 5.32 के आसपास। म्यूचुअल फंड डेटा देखें तो 40 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया है, 16 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है। डिफरेंस बाइंग साइड में है ज्यादा, और वो है 23,97,000 क्वांटिटी, यानी ऑलमोस्ट 24 लाख क्वांटिटी ऑफ IRCTC हैव बीन बॉट बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी इन द मंथ ऑफ सितंबर। लेवल्स अगर हम देखें तो RSI 580 है, MFI 74 है, यानी दोनों इस समय न्यूट्रल जोन से नीचे है। ओवरऑल अगर हम देखें तो लेवल्स इस समय अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रहा है, और इसीलिए आरसीटीसी को अक्यूमुलेट कीजिए। शॉर्ट टर्म टारगेट रखिए 780 से 790 का, मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बाद अगर हम देखें तो ये स्टॉक 850 से 900 लेवल्स आराम से जाते हुए दिखेंगे। तो इस समय आरसीटीसी में मोमेंटम है, इस मोमेंटम का फायदा लीजिए। क्वार्टर टू के दौरान 780 के लेवल देखने मिल सकते हैं, और रिजल्ट के बाद अगर और भी सपोर्ट करते हैं तो 850 के लेवल्स आराम से आपको आरसीटीसी में देखने मिलेंगे। आपके स्क्रीन पे स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो रिजल्ट्स भी देख ले, तो पिछले जून में 257 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार था 877 करोड़ का रेवेन्यू। पिछले साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 111 करोड़ का था, इस बार है 329 करोड़ का। पिछले जून में नेट प्रॉफिट था 82 करोड़ का, इस बार था 245 करोड़ का। तो स्पेसिफिकली अच्छा मोमेंटम है ये स्टॉक, और इसीलिए मैं आईआरसीटीसी को सजेस्ट कर रहा हूँ आज के दिन पे। दूसरा स्टॉक, पहला स्टॉक था मजगांव डॉक और सेकंड आईआरसीटीसी। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एक्जैक्टली आपको आपके हर प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।